बड़ी घोषणाएं, बड़ी बातें, बड़ा इनाम, ये हमारे देश में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों के साथ सरकार का तोहफा होता है। लेकिन आज आप एक तस्वीर को देखने जा रहे हैं जिसमें बड़ा नाम, बड़े मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से मुंह फेर लिया जाता है। आज आप पंजाब की खेल नीति और खेल को बढ़ावा देने का दावा करने वाली सरकारों के ढेर होते दावों का सच देखने जा रहे हैं। ये पंजाब की खेल नीति को मुंह चिढ़ाती तस्वीर है। मोगा के रनसीह कला गांव में खेत में काम करती ये बेटियां किसान नहीं बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर मेडल जीत चुकी खिलाड़ी, लेकिन आज चिलचिलाती धूप में उन्हें खेल छोड़कर मजबूरी में खेत में धान की बिजाई करनी पड़ रही है। पंजाब में नशे का मुद्दा जहां राजनीतिक गलियारों से लेकर लगभग हर जुबान पर है। कहा जाता है कि युवाओं को नशे से दूर करना है तो खेल को बढ़ावा देना जरूरी है, लेकिन जब खिलाड़ियों के साथ सरकारों की ऐसी अनदेखी की तस्वीरें सामने आती हैं, तो खोखले दावे बिखरते दिखते हैं। खेत में काम करती ये तीन बेटियां इंटरनेशनल स्तर पर रेसलिंग की खिलाड़ी रह चुकी हैं, देश के नाम कई मेडल भी दिलाए हैं, लेकिन जीत के वक्त जो सरकारें इनाम देने का वादा कर अपना ढोल पीटती हैं, आज उन्हीं की तरफ से इन्हें कोई आर्थिक मदद नहीं मिली। नतीजा ये कि तंगहाली में इन बेटियों को अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करना पड़ रहा है। मैं रेसलिंग करती हूँ, स्टेट में लगातार 10 बार मेडल है, नेशनल में मेडल है, 5 बार ब्रॉन्ज है, तो मेरे खेल इंडिया में मेडल आया था ब्रॉन्ज। मोदी सरकार ने बोला था आपको हम 10 लाख 5 लाख रुपए का पैसे डालेंगे आपके अकाउंट में, अभी तक कोई पैसे नहीं आए। कितनी बार मेडल मिल चुके आपको? सर 2-3 बार मेडल आ चुके हैं। सरकार हमारी कोई हेल्प नहीं कर रही, जिसकी वजह से हमारे परिवार बहुत गरीब है, उसके लिए हमें खेतों में काम करना पड़ता है, मम्मी पापा का हाथ उठाना पड़ता है ताकि हम अपनी हमारी डाइट पूरी कर सके। देश के नाम रेसलिंग के रिंग में इन बेटियों ने कई मेडल जीते हैं और आज भी इनके दिल में देश के लिए खेलने का जज्बा है, लेकिन जब तंगी में जिंदगी गुजारने को मजबूर ऐसे खिलाड़ी पर हमारी सरकारें ध्यान नहीं देती तो ये हाथी के दांत दिखाने को और खाने को और वाली कहावत जैसे लगती है। नवदीप सिंह, जी मीडिया, मोगा।